स्वागत आप सबका दूसरे डबल हेडर मैच के अंदर। मैच है सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। वेन्यू रहेगा एमसी स्टेडियम पुणे और यह मैच शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे 29 अप्रैल को पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस यहाँ पर मेरे पास आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पिच रहेगी कहाँ की, एमसी स्टेडियम पुणे की। जिस तरह से आपको दिखेगी इस पिच की खासियत क्या है, ये पिच है ना दोस्तों बहुत बढ़िया पिच है। बैटर्स के लिए आपको मैंने पहले भी कहा है, आईपीएल 4 वेन्यूज के ऊपर हो रहा है, 3 वेन्यू तो अपने मुंबई के ऊपर है, नाम है वानखेड़े स्टेडियम, ब्रेबॉर्न स्टेडियम, डेवा पाटिल स्टेडियम। एक वेन्यू अपना आता है भाई साहब पुणे के अंदर, जिसको अपन कहते हैं एमसी स्टेडियम, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ठीक है। तब आपको ध्यान देना है जो मुंबई के 3 स्टेडियम है ना, ये भाई साहब बने रेड सॉइल से, और जो अपना एकमात्र पुणे का स्टेडियम है ये बना ब्लैक सॉइल से। इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्लैक सॉइल से पिच होती है ना उसके अंदर न्यूट्रल बाउंस रहता है और जो गति ज्यादा होती है। तो आप देखोगे इस वेन्यू के ऊपर ना बॉल स्टार्टिंग के 1-2 ओवर के अंदर स्विंग होती है। रीजन क्या उसको बताऊं, एक तो नई गेंद रहती है और दूसरा रीजन ये भी है कि स्टेडियम थोड़ा सा ओपन स्टेडियम है तो हवा जल्दी आ जाती है यहाँ पे। तो कहेंगे बैटर फ्रेंडली पिच रहेगी, रन्स बनेंगे, बढ़िया वेन्यू है, आपको बस स्टार्टिंग ओवर्स अच्छे से खेलना है, विकेट्स नहीं गंवाना है, विकेट थ्रो नहीं करना है, रन्स बनते हैं, बढ़िया पिच है। पिच के ऊपर ग्रास मौजूद थी लास्ट मैच के अंदर भी, जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था ना 29 अप्रैल को, कल के दिन पंजाब और लखनऊ का मैच था, तब दोस्तों उसी पिच की फोटो है। आप देखो इस पिच के ऊपर हल्के हल्के क्रैक्स है, एकदम हल्के हल्के। यहाँ पे कुरनल पांडे की ना बॉल ग्रिप कर रही थी दूसरी पारी के अंदर, तो यहाँ पे स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। आपके लिए मैं जूम करता हूँ एकदम, तो आप देखो जो क्रैक्स है ना हल्के हल्के दोस्तों खुलने लगे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जो वेन्यूज है ना मोस्टली सब यूज्ड वेन्यूज हो चुके हैं। चलते हैं यहाँ पे अपन किसकी तरफ, ये डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये बैटिंग स्ट्राइक रन रेट वर्सेस पेस एंड विकेट्स फॉर पेसर्स इन आईपीएल 22 एट पुणे, ध्यान देना आपको यहाँ पे। तो देखो बैटिंग स्ट्राइक रन रेट, पहले बात करते हैं प्लेयर्स को कहाँ पे गेंद पसंद है। भाई साहब स्लॉट के अंदर गेंद डालनी नहीं है, 204 का स्ट्राइक रन रेट है बैटर्स का, बहुत तगड़ा तोड़ते हैं यहाँ पे। अगर आप फुल टॉस डालते हो तो भी मार खाते हो, 141 के स्ट्राइक रन रेट है। तो भाई साहब विकेट्स कहाँ मिलते हैं यहाँ पे, विकेट्स मिलते हैं दो जगह से। बात करेंगे लेंथ बॉल और शॉर्ट बॉल की, यहाँ पे बहुत बड़ी की टैक्टिक्स है पुणे के ऊपर। जब भी मैच होते हैं तो शॉर्ट बॉल से टारगेट किया जाता है बैटर्स को और लेंथ बॉल डाली जाती है। लेंथ बॉल से 20 विकेट गए, वहां पे स्ट्राइक रन रेट देखो बैटर्स का मात्र 85 है। वहीं शॉर्ट बॉल पे थोड़ा बहुत खेल लेते हैं कई कई प्लेयर्स, जो जिनको बाउंसर खेलने की आदत होती है वो अच्छा यहाँ पे खेल लेते हैं, 131 की स्ट्राइक रन रेट है। लेकिन भाई साहब विकेट्स देखो 29 विकेट्स यहाँ पे शॉर्ट बॉल पे गए हैं, तो कुल आप देखो जो लेंथ गेंद होती है शॉर्ट गेंद होती है उसमें मिला के 49 विकेट गए। ये दिखाता है भाई साहब यहाँ पर जो शॉर्ट लेंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखो जो पुणे की पेस है ना, ये सबसे ज्यादा पेस है पुणे के ऊपर, सबसे ज्यादा गति है इस पिच के अंदर, बहुत तेजी से बॉल आती है और सेकंड मोस्ट उछाल है डीवा पाटिल स्टेडियम के बाद। स्टेडियम की बाउंड्री डायमेंशंस की बात करते हैं, सामने की बाउंड्री 75 मीटर है, स्क्वायर बाउंड्रीज एक तरफ 69 दूसरी तरफ 63 मीटर्स है। तो बढ़िया वेन्यू है, ऐसा स्टेडियम दिखता है, खुला स्टेडियम है, बस सामने रूफ है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे रूफ नहीं है, यहाँ पे रूफ नहीं है, पहाड़ है, तो कह सकते हैं थोड़ा सा ओपन स्टेडियम है। मजा आएगा इस मैच के अंदर। स्वागत आप सबका इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग के अंदर, इसको अपन कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग। अब देखो सोने के ऊपर क्या हुआ है, पहली पारी के अंदर रन्स पर ओवर, इसको मैंने अपडेट करा कल के दिन पंजाब और लखनऊ का मैच हुआ उसके बाद। तो देखो आप पहली पारी के अंदर रन्स पर ओवर है 8.48 पहली पारी में, प्रति ओवर के अंदर पहली पारी में रन्स पर ओवर मतलब होता है प्रति ओवर कितने रन बनते हैं 8.48, वहीं दूसरी पारी में 7.94। इसका मतलब क्या, दूसरी पारी में रन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। SRH यहाँ पे कितने मैच खेली है, 4 मैच खेली, 1 मैच जीती है, 3 मैच हारी है। CSK का होम ग्राउंड है, आपको पता होगा CSK 2018-19 के टाइम पे इनका ये होम ग्राउंड बन गया था, तो यहाँ पे 9 मैच खेले CSK ने, 6 मैच जीता है, 3 मैच हारा है। धोनी सोनी को भली बात ही जानते हैं, RPS के लिए यहाँ पे पहले लीड कर चुके हैं वो। जो टीम बैट फर्स्ट करी है 9 मैच जीती है, जो टीम यहाँ पे चेस करी है भाई साहब 6 मैच जीती है। तो बैट फर्स्ट सिंपल फॉर्मूला है, 9 मैच जीती आउट ऑफ लास्ट 15 गेम्स, औसतन स्कोर 150 बनता है। लास्ट 12 मैच में क्या हुआ है, पेसर्स ने 101 विकेट निकाले हैं, पहली पारी के अंदर 51 है, दूसरी पारी के अंदर 50 है, तो दूसरी पारी में भी विकेट गिरते हैं। तब देखो राइट आर्म पेसर 82 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर 19 विकेट है,
स्पिनर्स की बात करते हैं तो लास्ट 12 मैच के अंदर 40 विकेट है स्पिनर्स के, पहली पारी के अंदर 19, दूसरी पारी के अंदर 21 है, ऑफ स्पिनर्स के 12, लेग स्पिनर्स के 17, लेफ्ट आर्म चाइनामैन का यहाँ पे 4, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 7 विकेट। जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था कल के दिन 29 अप्रैल की बात है, पंजाब और लखनऊ का मैच था, 10 विकेट पेसर्स के थे, 5 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स के थे, पहली पारी के अंदर 2 राहुल चहर के थे। और दूसरी पारी की बात करते हैं तो मैंने डबल लाइन बनाई है तो 2 विकेट कुरनल पांडे का था, 1 विकेट वहाँ पे आई थिंक रवि बिश्नोई का था, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, सनी वेदर रहेगा। न्यूज की बात करते हैं, वाशिंगटन सुंदर अवेलेबल है, दोनों टीम्स ने आपस के अंदर आज तक 18 मैच खेले हैं, पंजाब जीती है यहाँ पे 5 और सीएसके जीती है 13, लेकिन जो लास्ट हेड टू हेड था उसके अंदर बहुत अच्छा है यहाँ पे। इसमें दोस्तों करेक्शन है, पंजाब नहीं SRHA, मैंने गलती से पंजाब बोल दिया था क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे पंजाब लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, SRHA जीती है 5, पंजाब और CSK जीती है 13, मतलब पंजाब का नाम नहीं आएगा, मैं रिपीट करता हूँ गलती से यहाँ पे दोस्तों, मिसटाइप हो गया था, SRHA 5 जीती है, सनराइजर्स हैदराबाद, CSK 13 जीती है आउट ऑफ लास्ट 18 हेड टू हेड गेम्स। लाइनअप्स की बात करते हैं, अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं केन विलियमसन के साथ, कैप्टन सीकर राहुल त्रिपाठी, एडिन मैक्रम, निकोलस बुरन, शशांक सिंह, लास्ट टाइम हीरो दिखे थे ये, बहुत अच्छी नॉक थी, सुंदर, मार्को अनसेन, इनके बदले शीन अबाउट को खिलाना चाहिए, आई एम बिग फैन ऑफ हिम, भुवे, उमरान मलिक, टी नटराजन, उमरान मलिक क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, टी नटराजन भी CSK, ऋतुराज गायकवाड ओपन करेंगे, रोबिन उथप्पा, मोइन अली आ सकते हैं, फिर मिस सैटनर आएंगे, अंबती रायडू, शिवम दुबे, जड्डू, धोनी, यहाँ पे ड्वेन पिटोरियस, ब्रावो, थिक्षणा, मुकेश चौधरी। बात रही यहाँ पे हेड टू हेड मैचेस की, अब देखो जब अभिषेक शर्मा खेलते हैं अगेंस्ट CSK, 4 मैच खेला है, 126 रन, अच्छे फिगर्स हैं, बैट फर्स्ट 31-18, 2 चेस के ऊपर 75 है, इनको CSK पसंद, अभिषेक शर्मा को, केन मामा, केन को जब भी दोस्तों मैं देखता हूँ CSK के खिलाफ खेलते हुए बहुत रन बनाते हैं, 11 मैच 370 रन, 41 की औसत है, बैट फर्स्ट 51-47, 26-9-12, 24-11-9 और चेस के ऊपर 84-57, 26 नॉट आउट, 3-32 है वर्सेस CSK इन हेड टू हेड मैचेस। राहुल त्रिपाठी 9 मैच 232 रन है यहाँ पे, 33 की औसत है, बैट फर्स्ट 81-45, 10-3-9-12, चेस के ऊपर 39-8-5-2 और 39 नॉट आउट है, ये भाई साहब खेलेंगे अपने पुराने कैप्टन के अंडर जो थे माही भाई, RPS के अंदर दोनों खेलते थे, राहुल त्रिपाठी और MS धोनी, स्टीव स्मिथ उस टाइम पे जिनके रहने वगैरह वो करते थे। एडिन माक्रम की बात करते हैं, 2 मैच और इन्होंने इस टीम के खिलाफ 13 रन बनाए और लास्ट टाइम 1 विकेट भी निकाला था, आई थिंक मोइन अली का आउट करा था। निकोलस पुरन की बात करते हैं, 6 मैच 76 रन है, बैट फर्स्ट 33-2-0, चेस के ऊपर 36-5 नाबाद है वर्सेस CSK। आएंगे शशांक सिंह, इन्होंने मैच तो खेला था लेकिन कोई रोल नहीं था, वाशिंगटन सुंदर का 5 मैच में 4 विकेट है, लास्ट हेड टू हेड मैच में 2 विकेट निकाला था, बॉल फर्स्ट करते हुए इसका 2 मैच में 2 विकेट है, बॉल सेकंड 3 मैच में 2 विकेट, 3 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। मार्को अनसेन का 1 विकेट था बॉल फर्स्ट, महेंद्र सिंह धोनी का आउट करा था, भुवी का 16 मैच में 11 विकेट है CSK के खिलाफ, बॉल फर्स्ट 7 मैच में 2, बॉल सेकंड 9 मैच में 9 विकेट है, 8 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। उमरान मलिक का 0 विकेट बॉल फर्स्ट है, टी नटराजन का 3 मैच में 6 विकेट है, हर बार 2-2 विकेट निकाले हैं, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 4 विकेट है, बॉल सेकंड 1 मैच में 2 विकेट है। बात करेंगे यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग ओवर, भुवी, उमरान मलिक यहाँ पे आपको 6-7 ओवर में दिख सकते हैं, वाशिंगटन सुंदर, मार्को अनसेन, डेवतर के अंदर भुवी, नटराजन, उमरान मलिक आपको दिख सकते हैं। आई थिंक मार्को अनसेन को इस बार टीम डेवतर में ओवर्स नहीं देगी क्योंकि लास्ट मैच में वो 23 रन डिफेंड नहीं कर पाए थे। CSK की बात करते हैं, जब ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, 3 मैच खेले हैं, 136 रन है, 45 की औसत है, लास्ट टाइम भी अच्छे फॉर्म में दिखे थे ऋतुराज गायकवाड़, तो नटराजन की बहुत अच्छी गेंद थी उस पर बोल्ड हो गए थे, बैट फर्स्ट 16, चेस के ऊपर 75-45 है। रॉबिन उथप्पा की बात कर लेते हैं, 19 मैच 524 रन से 28 की औसत है अगेंस्ट SRH, बैट फर्स्ट 6 मैचों में 160 रन, 27 की औसत है, वहीं चेस के ऊपर 13 मैच में 28 की औसत है, 364 रन है। मोइन अली 7 मैच 157 रन है, बैट फर्स्ट 65-0-48 है, चेस के ऊपर अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद 17-15-10-2, बॉलिंग से मात्र 1 विकेट है। अंबती रायडू को CSK के लिए खेलना पसंद है, इनको सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट खेलना पसंद है। 19 मैच 45 की औसत है, 540 रन है, बैट फर्स्ट 7 मैच के अंदर 53 की औसत, 267 रन है, टीम प्लेयर है अंबती रायडू, चेस के ऊपर 12 मैच में 39 की औसत है, 273 रन है। शिवम दुबे 4 मैच 23 रन है, बैट फर्स्ट 8-7-3, चेस के ऊपर 5 है। रविंद्र जाडेजा 22 मैच 224 रन है, 5 विकेट है, बैट फर्स्ट के अंदर 9 मैच में 143 रन है, चेस के ऊपर 6 मैच में 81 रन है। गेंदबाजी से बात करते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा, 22 मैचों में 5 विकेट है गेंदबाजी से अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, बॉल फर्स्ट 9 मैच में 3, बॉल सेकंड 11 मैचों में 2 विकेट है, 15 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी सर MSD,
21 मैच 60 की औसत है, 353 रन है। बैट फर्स्ट के अंदर 8 मैच में 254 रन है, चेस के ऊपर 10 मैच में 286 रन है। ड्वेन पिटोरियस क्लास गेंदबाज, क्लास बैटर है। ब्रावो की बात करते हैं, 17 मैच 24 विकेट है, बॉल फर्स्ट 8 मैच में 11, बॉल सेकंड 9 मैच में 13 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। ये सीएसके की हाईएस्ट विकेट टेकर है मेरे हिसाब से, ऑल टाइम देख लो आप, आईपीएल के ऑल टाइम देख लो। महेश टिक्सेना का 0 विकेट बॉल सेकंड, मुकेश चौधरी का 1 विकेट बॉल सेकंड है। केन विलियमसन को आई थिंक मुकेश चौधरी ने लास्ट टाइम आउट करा था। स्टार्टिंग ओवर मुकेश चौधरी, मिथ सैट ने रहता मोइन अली, महेश टिक्सेना, लैतूर के अंदर डीजे राव, प्रिटोरियस टिक्सेना आपको दिख सकते हैं। वेन्यू स्टैट्स की बात करते हैं, वेन्यू एमसी स्टेडियम पुणे, तो यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद अपना पहला मैच खेली थी राजस्थान के खिलाफ, जिसके अंदर सनराइजर्स हैदराबाद बहुत बुरी तरह से मात खाई थी। तो यहाँ पे देखो अभिषेक शर्मा ने बनाए थे 9 चेस करते हुए। केन विलियमसन का 3 मैच में 74 रन है, बैट फर्स्ट 51 21 चेस के ऊपर दो है। राहुल त्रिपाठी का ये होम ग्राउंड है, महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं, तो इस वेन्यू पे बहुत मैचेस खेले हैं, प्रैक्टिस करते हैं आके। 11 मैच 272 रन है, 27 की औसत है। बैट फर्स्ट 38 37 32 नाबाद 10, चेस के ऊपर 59 47 28 11 6 5 0। एडन माकरम का 57 नॉट आउट है यहाँ पे चेस करते हुए, पूरन का 0 था चेस करते हुए, ट्रेंड बोल्ट की बॉल पे LBW वे दे। सुंदर का यहाँ पे 7 मैच में 3 विकेट है और रन्स बनाते हैं यहाँ पे, बॉल फर्स्ट 3 मैच में 0, बॉल सेकंड 3 मैच में 3 विकेट है, 4 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। फिर बुवी यहाँ पे खेले हैं 16 मैच 14 विकेट हैं, बॉल फर्स्ट के अंदर 10 मैच में 12 विकेट हैं, बॉल सेकंड में 6 मैच में 2 विकेट है, 7 मैच के अंदर विकेट। सुमरान मलिक का 2 विकेट बॉल फर्स्ट, नटराजन का 2 विकेट बॉल फर्स्ट, अब्दुल समाद का 4 रन था यहाँ पे। सीएसके की बात करते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ का होम ग्राउंड है, यहाँ पे खेला था लास्ट टाइम 73 करा था बैट फर्स्ट। रविन थप्पा 20 मैच 543 रन 29 की औसत है, बैट फर्स्ट के अंदर 7 मैच में 170 रन 28 की औसत है। चेस के ऊपर रविन थप्पा 13 मैच 373 रन 29 की औसत है। मोहन अली आएंगे यहाँ पे, 1 रन बैट फर्स्ट है, 0 विकेट है। अंबती रायडू 11 मैच 35 की औसत है, 337 रन इस वेन्यू के ऊपर। पुणे के ऊपर बैट फर्स्ट 46 41 12 10 1 46 इस वेन्यू को पसंद करते हैं। चेस के ऊपर शतक है एक, नाबाद 32 26 22 एक है। शिवम दुबे का 19 था यहाँ पे रन आउट हुए थे। जड्डू का 13 मैच में 93 रन 7 विकेट है, बॉल फर्स्ट 5 मैच में 4, बॉल सेकंड 6 मैचों में 3 विकेट है, 6 मैच के अंदर विकेट लग गए। एमएस धोनी का 22 मैच के अंदर 518 रन 58 की औसत है। महेंद्र सिंह धोनी के बाद यहाँ पर प्रिटोरियस नहीं खेले हैं। ब्रावो का 10 मैच में 11 विकेट है। महेश टिक्सेना का 2 विकेट बॉल सेकंड, मुकेश चौधरी का 1 विकेट बॉल सेकंड था। चलते हैं मैचेस की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्रगल होता है नटराजन के सामने, 5 गेंद 7 रन 1 बार आउट हुए। रॉबिन थप्पा वर्सेस वाशिंगटन सुंदर, 27 गेंद 49 रन 1 बार आउट हुए। बुबे के सामने 71 गेंद 74 रन 1 बार आउट हुए। मोइन अली वर्सेस एडन माकरम 11 गेंद 21 रन 1 बार आउट हो चुके हैं। बुबे ने इनको 4 बार फंसाया, 18 गेंद में 20 रन देंगे, 3 बार दूसरी बारी में आउट कर चुके हैं इनको। अंबती रायडू वर्सेस बुबे 69 बॉल 84 रन, 2 बार आउट करा, दोनों बार पहली बारी में। लास्ट टाइम वाशिंगटन सुंदर ने आउट करा था, 29 गेंद में 36 रन देके दो बार आउट करा। जो लास्ट मैच हुआ था ना उसके अंदर एक तो रॉबिन थप्पा को और अंबती रायडू को वाशिंगटन सुंदर ने आउट करा था लास्ट हेड टू के अंदर, मुझे भी याद है। एक तो रॉबिन थप्पा को ऑफ स्टंप एकदम ऑफ वाइड यॉर्कर डाल के सीधा मिड विकेट की तरफ स्वीप खेलते आउट हो गए थे वो। फिर बात करते हैं यहाँ पे रविंद्र जडेजा की, इनका स्ट्रगल भुवी के सामने 40 गेंद 54 रन 1 बार आउट है। नटराजन के सामने 14 गेंद में 28 रन है। दुबे वर्सेस नटराजन 9 गेंद 7 रन 1 बार आउट हुए। धोनी वर्सेस मार्को अनसेन, नटराजन गोपाल, नीचे खेलते हैं धोनी जी। अभिषेक शर्मा वर्सेस ब्रावो 15 गेंद 19 रन 1 बार आउट हुए। केन विलियमसन वर्सेस मुकेश चौधरी 8 गेंद 1 रन 1 बार आउट हुए। जड्डू के सामने 219 गेंद के अंदर 201 रन 3 बार आउट हुए, तीनों बार पहली बारी में। ब्रावो ने भी आउट कराए 91 गेंद में 79 रन देके दो बार। राहुल त्रिपाठी वर्सेस जडेजा, ये थोड़ा सा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने फंसते हैं, कुरनल पांडे को बहुत परेशान करते हैं। 20 गेंद 20 रन, दो बार आउट करे जड्डू ने, दोनों बार पहली पारी में। ब्रावो ने 14 गेंद में 20 रन देके दो बार आउट करा। एडन माकरम वर्सेस ब्रावो 29 गेंद 28 रन 1 बार आउट करा। पूरन वर्सेस ब्रावो 49 गेंद 69 रन 5 बार आउट करा, पांचों बार पहली पारी में। चलेंगे अपन किसकी तरफ, ग्लेन फिलिप्स शायद ही खेलें, कॉमन कैप्टन मोइन अली अगर खेलते हैं तो, केन विलियमसन बड़ी लीग्स में आप बनाओ, खेन मामा, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली तो सैट एंडरसन को एक खेलेगा, वो दोनों में से जो भी एक खेलता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। राहुल त्रिपाठी है, पूरन प्रिटोरियस जडेजा आप डिफरेंशियल पिक के तौर पे देख सकते हो। बात करेंगे टीम्स की, यहाँ पे कैप्टन है राहुल त्रिपाठी, मैं शायद दोस्तों कैप्टन केन विलियमसन को कर दूँ, लेकिन वही बात है कि केन मामा का बल्ला अभी तक नहीं चला है, वहीं त्रिपाठी अच्छे फॉर्म में, गायकवाड़ एक अच्छे विकल्प आपके वाइस कैप्टन, जड्डू मोइन अली
अगर मोनाली नहीं खेलते हैं, मिस सैटनर को लेके चलेंगे अपन, नटराजन है, भुवी है, उमरान मलिक, एक्सप्रेस पेस है, ब्रावो है। अब देखो बड़ी लीग में करना है आपने दोस्तों, घबराना नहीं है, और थोड़ा सा दोस्तों आपको स्टैट्स देखना है, वही मैं आपको कहूँगा दोबारा। आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, आपको हमारा ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, नाम उसका स्टैट्स गुरुजी जो चैनल का नाम है, ठीक है, तो आप वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हो विदाउट ऐड। जैसे आप मेरे यूट्यूब पे देख रहे हो कोई ऐड्स नहीं है, इसी तरह उस ऐप पे भी कोई ऐड्स नहीं आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। ज़्यादातर आप देखोगे ऐड्स होते हैं ऐप्स के ऊपर, लेकिन उस ऐप के ऊपर ऐड्स नहीं है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन की, निकल सूरन टॉप मोस्ट पे रहेंगे, आप एम एस धोनी को भी लेके जा सकते हो। बात वही है कि पूरन तक टीम जाएगी कि नहीं, क्योंकि टॉप ऑर्डर दोस्तों इतना बढ़िया खेल रहा है। अभिषेक शर्मा अच्छे फॉर्म में, एडन माकरम अच्छे फॉर्म में, फिर वहाँ पे केन विलियमसन अच्छे फॉर्म में, राहुल त्रिपाठी अच्छे फॉर्म में, तो उनका दोस्तों नंबर नहीं आ रहा आजकल निकोलस पूरन का, लेकिन जब टॉप ऑर्डर हल्का सा फ्लॉप होगा ना तो भाई साहब पूरन अच्छा कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। महेंद्र सिंह धोनी एज ए क्रेडिट सेवर के तौर पर आप देख सकते हो, अच्छे पॉइंट्स वो भी दे जा रहे हैं आजकल। राहुल त्रिपाठी इंपॉर्टेंट है, अंबर त्रेडू दोस्तों अच्छे खेलते हैं हमेशा जब भी मैच हुआ है एस आर एच के खिलाफ, वेन्यू पसंद है इनको। अभिषेक शर्मा देखते हैं इस मैच में क्या करते हैं, और इनका सीजन बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छा खेल रहे हैं। गुजरात टाइटन जैसे पेस अटैक जिनके पास लुकी फर्गसन है, जिनके पास दोस्तों लेजेंडरी मोहम्मद शामी है, राशिद खान जैसा स्पिनर है, उनको दोस्तों आड़ा तिरछा किया था उन्होंने, फिर यहाँ पे उत्तप्पा आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इज अ गुड प्लेयर। रुतु मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्लास प्लेयर है, केन विलियमसन भी क्लास प्लेयर है, बल्ला नहीं बोला है आपको देख सकते हो यहाँ पे, बस दो मैचेस में बोला था गुजरात टाइटन्स और सीएसके के खिलाफ, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। एडन माकरम आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप पूरन के बल्ले इनको प्रीफर कर सकते हो। जड्डू इंपॉर्टेंट रहेंगे, थोड़े से विद द बैट परफॉर्मेंस देते हैं, बॉल करते हैं, सुंदर ग्रैंड लीग है, सैटनर या तो मोइन अली को खेले तो आप उसको पिक कर सकते हो। पिटोरियस स्मॉल लीग के अंदर फिर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अगर बॉल फर्स्ट करती है सीएसके, कटर्स डालेंगे अपनी डेथ ओवर के अंदर आएंगे, विद द बैट पॉइंट दे सकते हैं। उमरान मलिक के पास पेस है, ब्रावो, नटराजन, थिक्षणा आप ट्राई कर सकते हो, अच्छे पिक है, चार ओवर डाल रहे हैं महेश थिक्षणा, हर गेम के अंदर चार ओवर डाला है। मुकेश चौधरी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, नई गेंद से स्विंग करा सकते हैं, मेरे हिसाब से इतना स्विंग शायद ही हो यहाँ पे, स्टार्टिंग एक दो रो सकते हैं उसके बाद नहीं होगा। भुवी इंपॉर्टेंट है, डेथ ओवर के अंदर आते हैं, मार्क कॉन्सन ग्राइंडिंग में आप रोटेट कर सकते हो। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तब तक लिए देखते रहे स्टार्ट, मिलते अगली दफा, टेक केयर, सी सून, लव यू गाइस, जय हिंद।